तो हे गाइस, ये मूवी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो कि एक लड़के को पसंद करती है, बट अचानक से उसे पता चलता है कि वो तो किसी और को पसंद करता है। मूवी की शुरुआत में हम लोग नायको को देखते हैं जो कि आज बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि आज से उसके हाई स्कूल का न्यू डे चालू होने वाला था। नायको का आज हाई स्कूल में फर्स्ट डे था, इसलिए वो काफी खुश होकर हाई स्कूल पहुँचती है और तब उसकी मुलाकात इरिका नाम की एक लड़की से होती है जो कि फर्स्ट मुलाकात में ही उसकी फ्रेंड बन जाती है। रीका नायको को बताती है कि किस प्रकार से अभी हाई स्कूल में अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही हैं। नायको इससे बहुत ज्यादा ही प्रभावित हो जाती है और वो भी सोच लेती है कि वो भी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगी। नायको इसके बारे में सोच ही रही थी तभी वहाँ पे इरिका नाम का एक लड़का नायको की बातों को सुन लेता है और वो अपने फ्रेंड से जानबूझकर बातें करते हुए कहता है कि वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, बट उसके पास उतने टीम नहीं है, उसे दो लोगों की जरूरत है। नायको यह सुनते ही अकीरा के पास जाती है और वो उसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है। अकीरा अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताकर नायको और इरिका को अपने साथ ज्वाइन करने के लिए कहता है, जिस पर नायको तैयार हो जाती है। अब अकीरा नायको को एक रूम में लेके जाता है जहाँ पे वो उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। यहाँ पे सभी लोगों को अकीरा का प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा पसंद चला आता है, बट अकीरा नायको को मनाने के लिए वो अपना तरीका आजमाता है। नायको यहाँ पे अकीरा से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो तुरंत ही हाँ कर देती है। दरअसल नायको हाई स्कूल में ये सोच के भी आई थी कि वो यहाँ पर आके एक बॉयफ्रेंड बनाएगी और उसे अकीरा में अपने बॉयफ्रेंड की झलक दिखाई देने लगती है, जिसके बाद वो हर वक्त अकीरा के साथ रहने लगती है और हर वक्त वो अकीरा के बारे में सोचती है। जब भी नायको को टाइम मिलता तो वो अकीरा के पास जाकर उससे बातें करती और उसके साथ काफी गेम्स खेलती। कुछ दिन ऐसे करते हुए बीत जाती है। नायको अकीरा के बारे में इरिका को भी बताती है और कहती है कि उसने फैसला कर लिया है कि वो अकीरा को ही बॉयफ्रेंड बनाएगी। नायको जब इसके बारे में अकीरा से बात करने जाती है तभी वो देखती है कि उसके पास कुछ लेटर्स है जिसे अकीरा ने अपने गर्लफ्रेंड के लिए लिखा था। नायको के पूछने पे अकीरा उसे बताता है कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, बट वो लड़की किसी और को पसंद करती है और इसलिए मैं उसे प्रपोज नहीं कर पा रहा हूँ, बट वो सिर्फ मेरी अभी फिलहाल फ्रेंड है। नायको इस पे काफी ज्यादा उदास हो जाती है और बाहर चली जाती है। नायको इसके बारे में इरिका को बताती है, बट नायको इस पे खुश थी कि अकीरा सिर्फ उस लड़की को पसंद करता है, वो उसे पसंद नहीं करती है। सेम नाइट सभी लोग फायर फेयर फेस्टिवल देखने के लिए सिटी के बाहर जाती हैं, जहाँ पे नायको का मन काफी सारे चॉकलेट खाने का था। तब अकीरा उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे अभी बहुत सारे चॉकलेट खिलाएगा, बट इतने में ही वहाँ पर नारसुमी चली आती है और वो अकीरा को काफी इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए अपने साथ ले जाती है। नायको को यहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि अभी अकीरा ने प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ रहेगा और वो उसे चॉकलेट्स खिलाएगा। नेक्स्ट डे जब नायको इसी के बारे में सोच के जा रही थी तभी अचानक से अकीरा छत पर से बहुत सारी कैंडीज गिरा देता है, जिसे देख के तो नायको काफी ज्यादा सरप्राइज थी और वो समझ नहीं पाती है कि वो सच में अकीरा को डेट करे या फिर नहीं करे। बाद में नायको अकीरा को इम्प्रेस करने के लिए उसके पास काफी सारे चॉकलेट्स लेके पहुंचती है, बट तभी पिछले वाले खिड़की से नासुमी उसके लिए भी गिफ्ट लेके चली आती है, जिसके कारण सभी लोग तो नासुमी के गिफ्ट की तरफ देखने लगती है। नायको को यहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से उदास होके चली जाती है। नायको काफी उदास होके नदी किनारे पहुँचती है और वो वहीं पर अकीरा के बारे में सोच सोच के परेशान होने लगती है। शाम को जब नायको वहाँ से जाने लगती है तभी वो देखती है कि सामने अकीरा और नासुमी एक दूसरे को किस कर रहे है। यह देखने के बाद तो नायको के पैर तले से जमीन खिसक जाती है, जिसके कारण नायको और उदास हो जाती है। अब नेक्स्ट डे नायको इसके बारे में जाकर इरिका और उसके फ्रेंड्स को बताती है। यहाँ पे तो इरिका को विश्वास नहीं हो रहा था कि अकीरा किसी को किस भी कर सकता है, बट नायको के बात को कोई भी सीरियस नहीं लेता है और इसलिए नायको काफी उदास हो जाती है। अब शाम को जब सभी फ्रेंड्स पार्टी करने पहुंचते हैं तो नायको यहाँ पे काफी ज्यादा उदास थी, इसलिए वो बहुत सारी ड्रिंकिंग कर लेती है। नायको इतना ड्रिंकिंग कर लेती है कि अकीरा को उसके अपने पीठ पर पिगी बैग ऑफर करके घर पे ड्रॉप करने जाना पड़ता है। बट रास्ते में नायको अकीरा को बहुत परेशान करती है और वो उसे चिल्ला चिल्ला के बार बार पूछती है कि आखिर उसके अंदर ऐसी क्या कमी है कि वो किसी और को पसंद करता है।
अकीरा को नायको की सभी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है। बट नेक्स्ट डे जब नायको सो के उठती है तो वो रात वाली बातों को याद करके काफी परेशान होने लगती है। स्कूल जाने के बाद नायको सिर्फ अकीरा के बारे में सोच रही थी और इसलिए वो गार्डन में छुप कर लंच करने चली जाती है, जिसे अकीरा देखकर बहुत मुस्कुरा रहा था। शाम को जब स्कूल की छुट्टी होने के बाद सभी लोग घर पे जाने लगते हैं तो रास्ते में अकीरा नायको को रोक देता है और वो उससे कहता है कि उस रात उसने नासु को सिर्फ इसलिए किस किया था क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही भावुक हो चुकी थी और वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने के बारे में सोच रही थी। लेकिन असल जिंदगी में नासु तो अकीरा को पसंद करती ही नहीं है और इतना कहकर अकीरा नायको को किस कर देता है, जिसके बाद तो नायको बहुत खुश होकर इन सभी घटना के बारे में अपनी फ्रेंड इरिका को बताती है। इरिका को विश्वास नहीं हो रहा था कि नायको के साथ ये सब चल रहा है। बट आफ्टर दैट कि अब ये दोनों एक दूसरे को बहुत सारी मैसेजेस करके एक दूसरे से बातें करते हैं। बाद में जब अकीरा सभी लोगों के सामने स्पीच दे रहा था तो नैनो भी उस स्पीच को देखने आई थी, बट दरवाजा खोलने के कारण वो वहीं पे गिर जाती है, जिसके कारण सभी स्टूडेंट तो उसके ऊपर हंसने लगती है। नायको यहाँ पे काफी उदास हो जाती है तो अकीरा उसके पास आकर उससे काफी अच्छी तरह से बातें करता है, जिसके कारण नायको काफी मोटिवेट होती है। सेम नाइट जब अकीरा घर जा रहा था तो फिर से नासु उससे मिलने चली जाती है और इसलिए अकीरा उससे बातें करने चला जाता है। नायको को इसके बारे में जब नेक्स्ट डे पता चलता है तो वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि कहीं अकीरा नासु के तरफ फिर से ना चला जाए। स्कूल के अब एग्जाम खत्म हो चुके थे इसलिए अकीरा सीनियर होने के नाते अब स्कूल छोड़ने वाला था, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि इरिका को अकीरा के एक फ्रेंड आकर उसे प्रपोज कर देता है और तभी यहाँ पर नायको काफी ज्यादा खुश होती है कि आखिरकार उसकी फ्रेंड को भी एक बॉयफ्रेंड मिल गया। अब नायको अकीरा से मिलने जाती है क्योंकि अकीरा अब स्कूल छोड़ने वाला था, बट रूम में तो अकीरा था ही नहीं, इसलिए नायको काफी ज्यादा उदास हो जाती है। लेकिन विंडो खुलने के बाद उसे पता चलता है कि अकीरा तो यहाँ पे काफी ज्यादा नर्वस होकर बैठा हुआ था, क्योंकि वो नायको को प्रपोज नहीं कर सकता था। बट यहाँ पे अकीरा किसी प्रकार से अपने आप को मोटिवेट करता है और वो वहाँ पर नायको को प्रपोज करता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहोगी। यहाँ पे तो नायको पहले से ही तैयार थी एंड आफ्टर डैट कि ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, लेकिन इतने में ही अकीरा के बाकी फ्रेंड्स चले आते हैं, जिसके बाद तो ये सीन देखने लायक था। लेकिन इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।